हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम करने वाले तीन क्वेश्चंस 12, 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 241 चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो इन तीनों लेक्चर्स, इन तीनों क्वेश्चंस से जो भी टॉपिक आपको डिटेल में स्टडी करना है वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आपको मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, आपको कंप्लीट टॉपिक मिल जाएगा, कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, नेम सम डिवाइसेस विच इन विच इलेक्ट्रिक मोटर्स आर यूज। इलेक्ट्रिक मोटर्स हम कौन से डिवाइसेज में यूज़ कर सकते हैं उसे आपको बताना है। तो वाटर पंप्स में हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर, जैसे हम सिंपली मोटर कहते हैं, ठीक है, कुआं से पानी निकालना हो या फिर कहीं से पानी ड्रॉ करना हो तो उसके लिए मोटर यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं वाटर पंप्स, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पंप्स, इलेक्ट्रिक मिक्सचर, वॉशिंग मशीन, सो दीज आर सम डिवाइसेज जिसमें हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। क्वेश्चन नंबर 13, अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, ये कॉइल है इंसुलेटेड कॉपर वायर का, ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर। व्हाट विल हैपन इफ बार मैग्नेट इज पुश्ड इनटू द कॉइल। अगर इस बार मैग्नेट को इस कॉइल के अंदर पुश किया जाए तब क्या होगा। देखो ये जो टॉपिक है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है। अब ये कॉइल है, ठीक है, क्लोज्ड कॉइल, कॉइल क्लोज्ड होना चाहिए, अगर कॉइल कहीं से भी ओपन रहेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। क्लोज्ड कॉइल और ये मैग्नेट, जब भी हम इन दोनों के बीच में किसी भी तरह का रिलेटिव मोशन कराएंगे तो हमेशा एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के जनरेट होने के कारण एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ को तुम एक पोटेंशियल डिफरेंस जैसा समझ सकते हो, ये एक नया टर्म है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम पोटेंशियल डिफरेंस ना यूज़ करके हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का टर्म यूज़ करते हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है, ईएमएफ दैट मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। इस टॉपिक से रिलेटेड भी आपको डिटेल लेक्चर, डिटेल कॉन्सेप्ट मिलेगा ऊपर आई बटन पे। तो पहला है कि क्या होगा जब हम इस बार मैग्नेट को इस कॉइल के अंदर पुश करेंगे। तो जब भी तुम बार मैग्नेट या कॉइल के बीच में किसी भी तरह का रिलेटिव मोशन करा दो तो एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाता है। अ करंट इन इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल एंड द गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट कर पाता है। तो जब भी तुम इस मैग्नेट को इसे मूव करोगे, शिफ्ट करोगे, तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा जो ये मैग्नेट ये गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर पाएगा, ठीक है। सेकंड में है कि जब हम इस मैग्नेट को दूर ले जाएंगे तब क्या होगा। देखो तुम पास लाओ या दूर ले जाओ, रिलेटिव मोशन तो हो ही रहा है, तो जब तुम पास लाओगे तब भी इंड्यूस करंट फ्लो करेगा, दूर ले जाओगे तब भी इंड्यूस करंट फ्लो करेगा। अभी इंड्यूस करंट क्यों फ्लो होता है, क्या रीज़न इसके पीछे, आपको डिटेल में ऊपर आई बटन पे लेक्चर मिल जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होने लगता है, इसीलिए प्लीज़ जाकर देख लेना डिटेल लेक्चर। अब यहाँ पे देखो, अगर हम मैग्नेट को स्टॉप कर दें, किसी भी तरह का मोशन ना हो इन दोनों के बीच में, तब क्या होगा। जब मोशन ही नहीं होगा तो कोई भी इंड्यूस करंट फ्लो नहीं करेगा, और गैल्वेनोमीटर विल नॉट शो एनी काइंड ऑफ डिफ्लेक्शन। करंट ही फ्लो नहीं किया तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कहाँ से शो करेगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट कर पाता है। और एक और बात बता दें, यहाँ पे जो करंट इंड्यूस होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी करंट इंड्यूस नहीं हो पाता, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इंड्यूस हो पाता है। ये इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड करता है कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हम ले रहे हैं, ठीक है, वायर का जो लूप है कितना लूप है, इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर पाता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14, टू सर्कुलर कॉइल्स ए एंड बी आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। इफ द करंट इन द कॉइल इज ए इज चेंज्ड, विल सम करंट बी इंड्यूस्ड इन कॉइल बी और नॉट, गिव रीजन। नाउ देखो, हमारे पास दो कॉइल है, इनमें से एक कॉइल पे हमने लगा दिया बैटरी, और लगातार हम इस बैटरी से जो करंट यहाँ पे फ्लो करेगा, पूरा सर्किट क्लोज है, बैटरी लगा है, करंट तो फ्लो करेगा। अब यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है, हमें इस करंट के वैल्यू को कंटिन्यूसली हम चेंज करेंगे, इस वैल्यू को कंटिन्यूसली चेंज करेंगे। अब कंटिन्यूसली चेंज करने से क्या होगा, सेकंड कोयल देखो उसके पास रखा हुआ है जी। अब उस कोयल में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड नहीं किया गया, मतलब कोई बैटरी लगा नहीं है, ऐसी एक कोयल में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके हमने ऐसे इसे रख दिया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम ए में करंट को चेंज करेंगे तो क्या बी में कोई करंट फ्लो करेगा या नहीं, ये क्वेश्चन है। तो देखो, जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मेन जो प्रिंसिपल है या फिर जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड, या बोल दें जब भी कोई मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो यूनिट एरिया से लिंक करे उसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब भी कभी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाता है। इंड्यूस ईएमएफ मतलब, इंड्यूस का मतलब क्या हुआ, दूर से ही इंड्यूस हो गया, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे हैं, तुम मेरे मुझसे कुछ एक मीटर
कुछ दूरी पे हो और हम तुमको आंखों में इशारा करें कि नहीं ये नहीं करना है, तो तुम समझ जाओगे कि नहीं ये नहीं करना, ये गलत है। तो वो हो गया इंड्यूस का, बस ये मतलब बता रहे हैं तुम लोगों को इंड्यूस का मतलब क्या होता है। टच करके कोई काम नहीं होगा, दूर से ही काम होगा, आंखों ही आंखों में इशारा वाला काम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वहाँ यहाँ पे टचिंग वगैरह वगैरह कुछ नहीं होगा। तो बिना टच किए कोयल बी कोयल ए के कांटेक्ट में आए बिना ही एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट कर लेगा, मतलब एक इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर लेगा। अब जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आया करंट फ्लो करेगा, तो उस करंट फ्लो करने उसी करंट को हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा ना, करंट लिंकिंग थ्रू अ कोयल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, करंट कैरिंग वायर बिहेव्स एज अ मैग्नेट क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है वो। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा वो और हम जब लगातार करंट चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण चेंज इन इंड्यूस ईएमएफ, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा जिसके कारण इंड्यूस ईएमएफ बनेगा और जिसके कारण इंड्यूस करंट फ्लो करेगा, ठीक है। सब कुछ लिंक्ड है, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर लो, बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया इस चीज़ को, बहुत ही अच्छे समझ आ जाएगा आपको। तो देखो लैंग्वेज किस तरह लिखेंगे, When a current flowing in the coil A changes, इस coil में जब current change होगा, the magnetic field due to coil A also changes, इसमें magnetic field भी change होगा क्योंकि current हम vary कर रहे हैं, ठीक है, also changes, and due to this change in the magnetic field, an induced current is produced in the coil. अब यहाँ जब magnetic field change होगा तो यहाँ पे भी magnetic field जो link करेगा इससे, यहाँ से magnetic field कुछ इस तरह से निकलता है बार magnet की तरह, जब magnetic field निकलेगा तो interact करेगा ना इससे, मान लो magnetic field इस तरह से निकल रहा है, इस तरह से निकल कर ऐसे वापस इसी में जाएगा, फिर ऐसे निकल कर ऐसे जाएगा, तो इससे तो लिंक करेगा ना, इंटरेक्ट करेगा, तो कभी कम इंटरेक्ट करेगा, कभी ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा क्योंकि हम करंट का वैल्यू चेंज कर रहे हैं बार बार, कभी ज़्यादा करंट देंगे तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेगा, कम देंगे तो कम इंटरेक्ट करेगा, जिसके कारण यहाँ पे इंड्यूस करंट फ्लो होने लगेगा, मतलब कोयल बी में अब करंट फ्लो होने लगेगा। करंट फ्लो का एक और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि ये कि जब भी कोयल क्लोज्ड हो तब करंट फ्लो करेगा। मान लो तुम कोई ब्रेक किया हुआ कोयल जो क्लोज्ड नहीं है, जैसे ये कोयल तुम लेकर आ गए और सोच रहे हो कि इसमें करंट फ्लो करेगा, तो ऐसा नहीं है, इस कोयल को क्लोज होना पड़ेगा, क्लोज्ड कोयल में करंट फ्लो करता है, मतलब सर्किट कंप्लीट होना चाहिए तभी करंट फ्लो करेगा। तो ये तीन थे क्वेश्चंस आपके 12, 13 एंड 14। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस है 15, 16, 17, 18, इन चारों क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।